गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पोर्शन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली और अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक बिजनेस का फॉर्म है. जैसे अभी मैंने सोल ट्रेडर से पढ़ा, वैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है, जिसमें मेल मेंबर जो होता है हिंदू फैमिली का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली का, मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है और यही कंट्रोल करता है सारे बिजनेस को. इसके लिए कर्ता बोलते हैं. मींस जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो बिजनेस का कर्ता होगा. इस टाइप के बिजनेस जो हैं कैन गेट रिकॉग्निशन एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट If it is satisfies the following condition. कुछ conditions हैं. अगर ये conditions अगर follow करता है, ये satisfy करता है, तो ये joint Hindu family business के under में आता है. There must be at least two members who can demand partition of the property. और number two, कि जो property होगी वो property ancestral होगी, मतलब जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होगी. और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मींस होगा कि विच अ मैन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मींस दादाजी, मतलब पूर्वजों की जो फैमिली होगी, पर दादाजी है ना, उनकी फैमिली होना चाहिए, मतलब उनकी प्रॉपर्टी होना चाहिए. और सक्सेसिव जनरेशंस जो होंगी, मतलब बेटा, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, उनके थ्रू इनहेरिट की जानी चाहिए ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अच्छा, जो प्रॉपर्टी होगी उसमें जो मतलब हेड ऑफ द फैमिली होगा वो कर्ता होगा, और रेस्ट ऑफ मेंबर्स जो होंगे, मेल मेंबर्स होंगे, वो को पर्सनर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? को पर्सनर्स. हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कुछ स्कूल्स हैं. ये टू स्कूल्स हैं, इसमें दयाभाग स्कूल और मिताक्षरा. दयाभाग स्कूल के अंडर में, इस लॉ के अंडर में क्या आता है, अ सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. अपने फादर की डेथ के बाद में वो उसमें हिस्सेदार हो सकता है. दयाभाग स्कूल है जो एप्लीकेबल है वेस्ट बंगाल में. को पर्सनर्स कैन बिकम मेल और फीमेल मेंबर्स बोथ. मिताक्षरा स्कूल, अंडर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, एक सन एक्वायर कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ. मतलब बच्चा पैदा हुआ और तभी से उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार रहेगा. ये जो स्कूल है एप्लीकेबल इन होल इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल को छोड़कर सभी जगह ये चीज़ एप्लीकेबल है. जो मेल मेंबर जो है इसमें, वही केवल को पर्सनर बन सकता है. और दया भाग में मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स बन सकते हैं. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हैज एक्सटेंडेड द लाइन ऑफ को पर्सनरी इंटरेस्ट ऑफ फीमेल मेंबर्स दैट इज रिलेटिव ऑफ डिक्रीज को पर्सनर्स और मेल और फीमेल रिलेटिव क्लेमिंग थ्रू सच फीमेल मेंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज साइलेंट फीचर. सबसे पहले लाइबिलिटीज. कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी, को पर्सनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी, और शेयर प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी में उनका शेयर होगा. मेंबरशिप की बात करें इसमें, तो अ पर्सन एक्वायर मेंबरशिप, उस फैमिली में जो बच्चा बर्थ लेता है तभी से वो मेंबर बन जाता है. कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता है. मेंबरशिप ऑन टू माइनर, तो माइनर कैन बिकम फुल फ्लज मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस. एंड मेंबरशिप ऑफ द फीमेल, तो यहाँ पे विमेन जो होंगी
वो को पर्सनल अगर बनती हैं दया भाग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इस कंडीशन में वो को पर्सनल है, और अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा सिस्टम अगर वो मेंबरशिप मेल मेंबर ही बस को पर्सनल्स बन सकते हैं। नो लिमिट ऑफ मेंबर्स, आपकी फैमिली में मैक्सिमम मेंबर्स होंगे तो आपके पास मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम मेंबर्स होंगे उस बिज़नेस में, जितने मेंबर्स उतने मेंबर्स उतने मैक्सिमम मेंबर्स बिजनेस में आएंगे। कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मैनेजमेंट बिजनेस जो होता है करता ही करता है सारा काम मैनेजमेंट का, जो मींस जो हेड ऑफ़ द फैमिली होगा, मतलब मोस्ट सीनियर पर्सन होगा उस फैमिली का, वो करता होगा और करता ही सारे वर्क को एग्जीक्यूट करने वाला होगा। अदर मेंबर्स जो होंगे उनके पास, उनके लिए कोई राइट नहीं होगा कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें उस फैमिली में। आगे हम बात करें जो क्लेम ऑन लीविंग द फैमिली बिजनेस, तो कोई भी मेंबर जो है फैमिली से अलग हो रहा है और लीविंग फैमिली बिजनेस या बिजनेस फैमिली के बिजनेस को छोड़ना चाहता है, तो डिमांड कर सकता है, कैन डिमांड अकाउंट्स फ्रॉम द कर्ता एंड ऑल्सो कैन क्लेम हिज शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज कर्ता की होंगी, को पर्सनल्स के भी रहेंगी बिजनेस में, और ये एक एक्ट के अंदर, वो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर। परपेचुअलिटी की बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है डज नॉट स्टॉप बाय एनी डेथ, इंसैनिटी, इंसेंस हो जाता है, इनकॉम्पिटेंस हो जाता है, ऐसे नहीं रुकने वाला। अगर करता नहीं होता, कोई सीनियर मेंबर नहीं है, तो नेक्स्ट सीनियर मेंबर जो होगा वो उस बिजनेस का कर्ता बन जाएगा। वेरिएबिलिटी ऑफ द इन द शेयर ऑफ द को पर्सनर्स, तो अलग अलग होता है, अलग अलग शेयर होगा ईच को पर्सनर का फैमिली बिजनेस में, सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू द डेथ एंड बर्थ ऑफ द फैमिली। सो जो शेयर होगा को पर्सनल का डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है। क्लियर? नाउ मैरिट्स इसमें ये हैं, जल्दी से बनेगा, जल्दी डिसॉल्व होगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं होगी कि इतने मेंबर्स ही चाहिए हमें बिजनेस में। इसमें लाइबिलिटीज़ की बात करें करता की, तो इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं ही, मतलब टोटल जो कंप्लीट कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के हाथ में होता है। पर्सनल कांटेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट और पर्सनल कांटेक्ट कैन बी मेंटेन विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, तो कर्ता ही जानता है सारा कुछ, और अपने बिजनेस से रिलेटेड सीक्रेसी बनाए रखनी है। बिजनेस से रिलेटेड जो मेंबर्स भी सारे फैमिली के ही होंगे, तो यहाँ पे डिस्क्लोज होने सीक्रेसी भी बनी रहती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो मेंबर्स जो हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड हैं, कर्ता की अनलिमिटेड हैं लाइबिलिटीज़, और जो शेयर होगा जॉइंट प्रॉपर्टी में पूरी उसका है, तो रिस्क सभी को बियर करनी है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस की बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड बाय द डेथ और इनकॉम्पिटेंसी इंसैनिटी ऑफ एनी मेंबर और कर्ता। अगर कर्ता मर जाता है तो कोई दूसरा बंदा, कोई भी मेल मेंबर कर्ता बन जाएगा और बिजनेस आगे चलता रहेगा। इंसेंटिव्स की बात करें तो इंसेंटिव्स की बात अगर हम करते हैं तो कर्ता के लिए हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, वो सारी लाइबिलिटीज़ उसके पास में हैं, उसी को करती हैं, डिसीजंस उसके हाथ में हैं, तो ही इज़ इंस्पायर्ड टू वर्क होल हार्टेडली फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। सबसे पहले बाय हार्ट वो अपनी होल फैमिली को करता है वर्क, है ना, वर्क करता है, उसके बाद में वो अपने बारे में सोचता है। तो नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ एंसेस्ट्रल गुडविल,
तो इसमें क्या होगा कि दादाजी ने बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छे चीज़ें बेची, तो अब उस चीज़ का फ़ायदा किसको मिलेगा? आने वाली जनरेशन को। तो एंसेस्ट्रल गुडविल भी बहुत अच्छी मिलती है, इसमें प्रॉफिट होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर इंटरेस्ट, तो जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है, प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर मेंबर, मतलब कोई छोटा बच्चा है और उसका शेयर है तो वो इक्वल शेयर एंजॉय करता है फैमिली बिजनेस में। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें, जो को पर्सनर्स हैं, वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, हेंस अ सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस और हारमोनी इज डेवलप्ड। नाउ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस, लिमिटेड फंड, जितना प्रॉपर्टी के पास है बस उतना ही फंड है, फाइनेंशियल फंड उतना ही है। मीन्स एक्सेप्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, देर इज नो एडिशनल फंड्स, को पर्सनर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी फंड। तो पार्टीशन ऑफ फैमिली और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड, रिजल्टिंग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। आगे बात करें अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं और कर्ता के पास में। लिमिटेड मैनेजियल लाइबिलिटी की बात करें, कर्ता के पास फुल मैनेज्ड बिजनेस किया जाता है, किसके थ्रू? कर्ता के थ्रू। तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता वो, ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर स्पेशलाइजेशन अगर करता है तो ओके, लेकिन वो थोड़े ना उस ड्यूरेशन में MBA या प्रॉपर कोई डिग्री लिए होगा या होता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की लैकिंग, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लिमिटेड एबिलिटी रहती है उसके पास में। डेंजर ऑफ हेस्टी डिसीजंस, अब करता सारे डिसीजन लेता है, जैसे बात कर रहे थे सोल ट्रेडरशिप की, तो उससे मतलब चीज़ उसमें भी अगर वो अकेला बंदा अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेता है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है उसको कि गलत डिसीजन ले सकता है। सेम चीज़ करता का सब चलती रहती है घर में, तो उस बिजनेस में तो हो सकता है करता गलत डिसीजन ले ले, तो ये प्रॉब्लम होगी। नो कोरिलेशन बिटवीन वर्क एंड रिवॉर्ड ऑफ करता, करता ही मैनेज करता है सारे फैमिली अफेयर्स में भी, बिजनेस में भी, और सारी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ को भी बियर करता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं मिलता है ना। मतलब पर्सनल वर्क, पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, ये यहाँ पे लॉस है। और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, सोल पावर है कंट्रोल, मतलब सोल पावर ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इन हैंड्स ऑफ करता, तो हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाएँ, माइंड में किसी के भी कुछ भी आ जाए, कुछ सीक्रेट्स हैं, इवेंचुअली लीड्स टू स्प्लिट इन द जॉइंट फैमिली, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या डिवाइडेड फैमिली डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बनते हैं। और डेंजर ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द करता बाधी करता, कभी कभार सारे जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के या जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अच्छे ही हों, तो मे बी पॉसिबल कि करता अच्छा ना हो, तो यहाँ पे वो मिसयूज़ करने लगे अपने पावर्स का, तो यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।